नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस शैक्षिक अभियान को गति देने के लिए इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और YouTube के कमेंट बॉक्स पर अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन भी करें। आप में से अधिकांश मित्रों ने सुना होगा चेकबुक जर्नलिज्म। क्या आपको पता है चेकबुक जर्नलिज्म क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है सच्चाई को उजागर करते हुए समाज को निष्पक्ष, स्वतंत्र और सही सूचनाएं प्रदान करना। लेकिन जब पत्रकारिता के इस उद्देश्य के साथ प्रलोभन या लालच का तत्व जुड़ जाता है तो एक नई तरह की पत्रकारिता विकसित होती है जिसे अलग अलग समय में अलग अलग तरह से नाम दिए गए। कभी इसे पीठ पत्रकारिता कहा गया तो कभी इसे चेकबुक जर्नलिज्म कहा गया तो आजकल इसे क्लिकबेट जर्नलिज्म भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे चेकबुक जर्नलिज्म के बारे में। चेकबुक जर्नलिज्म की अवधारणा मूल रूप से ब्रिटेन या यूं कहें यूरोप के विभिन्न देशों से लेकर अमेरिका से हम मान सकते हैं। चेकबुक पत्रकारिता का अभिप्राय है कि जब आप समाचार कथाएं प्राप्त करने के लिए, न्यूज स्टोरीज के लिए किसी अपने सोर्स को या स्रोत को पैसा देते हैं और जब पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसी साक्षात्कार के लिए, किसी न्यूज स्टोरी के लिए, किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए या किसी सामग्री विशेष को प्राप्त करने के लिए, तो इसके साथ पत्रकारिता के नैतिक मानदंड तो जुड़ते ही हैं, साथ ही उस मीडिया संस्थान की साख और विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यूरोप में 1850 के आसपास इस तरह की प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं और लंबे समय तक इस तरह की पत्रकारिता प्रचलन में रही है। चेकबुक पत्रकारिता कोई नई अवधारणा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक ये कुछ देशों में प्रचलित रही है। जब समाचार संस्थान संवेदनशील और उच्च प्रोफाइल के मामलों की जानकारी के लिए भुगतान का सहारा लेते हैं तो इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलने लगता है। मुख्य रूप से राजनीति या समाज के विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण हस्तियों, फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों या विवादास्पद व्यक्तियों से जुड़े हुए मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तरह का भुगतान दिया जाता है। यह भुगतान अनेक बार उनके घरेलू कर्मचारियों से लेकर के उनके मित्र आदि तक को भी दिया जाता है, उन्हें भी ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। यह ठीक है कि मीडिया संस्थान को इससे लाभ हो सकता है आर्थिक दृष्टि से, किंतु इसी के साथ पत्रकारिता से जुड़े हुए अनेक नैतिक प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं। चेकबुक पत्रकारिता, जहां हमें सामग्री विशेष तक पहुंचने में सहायता पहुंचाती है और हम एक्सक्लूसिव जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं और अपने प्रतिस्पर्धी मीडिया संस्थान से आगे भी रह सकते हैं, लेकिन इस तरह की पत्रकारिता में हम स्रोतों से प्राप्त जानकारी को कंफर्म नहीं करते हैं और जब पैसे का लेन देन हो रहा है तो आपका सोर्स उस जानकारी को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकता है कि समाचार पत्र संस्थान की या मीडिया संस्थान की लोकप्रियता में रातों रात अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि चेकबुक पत्रकारिता गलत नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त करते हैं तो इनका मानना है कि उस सूचना पर उस व्यक्ति का अधिकार है। जब हम उसका समय लेते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, तो हमें उस जानकारी के लिए और उससे लिए गए समय का भुगतान किया जाना चाहिए। वो इसमें कोई अनएथिकल या अनैतिक नहीं मानते हैं। लेकिन दूसरे पक्ष का यह भी मानना है कि चेकबुक पत्रकारिता पत्रकारिता के नैतिक मानदंडों के बिल्कुल विरुद्ध है और यह सच्चाई को विकृत या तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करती है। इस तरह की पत्रकारिता मीडिया संस्थान
को कटघरे में भी खड़ी करती है। जैसा मैंने कहा कि जब भुगतान देकर के जानकारी प्राप्त की जाती है तो वो सोर्स अपने लाभ के लिए उस जानकारी को तोड़ मरोड़ के भी प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम जो भी सामग्री प्रकाशित करें उसे अपने स्रोतों से चेक करें, उसकी प्रामाणिकता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मुख्य रूप से इस तरह की पत्रकारिता ब्रिटिश टैब्लॉइड प्रेस में प्रचलित रही है। जो वहां की टैब्लॉइड संस्कृति है उसने चेकबुक पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया है। इसने पत्रकारिता के मानकों को न सिर्फ गिराया है बल्कि अनेक कानूनी विवाद भी इससे उत्पन्न हुए हैं। और यहां तक कि जब यह सिद्ध हो गया कि स्रोत ने पैसा लिया है तो कानूनी दृष्टि से वह मामला कमजोर भी साबित हुआ है। भारत में भी कुछ मीडिया संस्थानों पर इस तरह के आरोप लगे हैं, विशेषकर साक्षात्कार और जानकारी प्राप्त करने के लिए भुगतान के बारे में। लेकिन सौभाग्य से हमारे देश में सार्वजनिक रूप से अभी इस तरह की प्रवृत्तियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली है। बाय एंड लार्ज हमें लगता है कि हमारे देश में इस तरह की प्रवृत्ति अभी तक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि यह देश इस तरह की प्रवृत्ति से, यहाँ की पत्रकारिता इस तरह की प्रवृत्ति से बची रहकर अपने उच्च स्तरीय मानदंडों की दिशा में आगे बढ़ती रहे। यहाँ यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता का उद्देश्य मात्र लाभ अर्जन है या पाठकों या दर्शकों को सत्य, सटीक और तथ्यात्मक जानकारी भी देना है। मीडिया संस्थानों को यह संकल्प लेना होगा कि समाचारों के प्रकाशन प्रसारण के लिए हम बिना भुगतान किए अपने प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी का ही प्रकाशन करें। पत्रकारिता में पारदर्शिता की बात हमेशा की जाती है। यदि किसी जानकारी के लिए भुगतान किया गया है तो इसकी जानकारी भी पाठक या दर्शक को होनी चाहिए। जब हम इस तरह की जानकारी देंगे तो पाठक और दर्शक उसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझने की दिशा में सतर्क और सजग हो सकेगा। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हों। पिछली 1.5 सदी में पत्रकारिता के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं जब चेकबुक पत्रकारिता के सहारे सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। ऐसा कहा जाता है 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उस समय भी अधिकारियों ने जानकारी देने के लिए समाचार संस्थानों से भुगतान की अपेक्षा की थी। इस तरह की पत्रकारिता में ऐसे सूचना दलाल पैदा हो गए या ऐसे इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स आ गए जो बीच में दलाली का काम करने लगे और पैसे का इधर से उधर पहुंचाने का काम भी वो करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति पत्रकारिता की शुचिता को किस तरह से नष्ट कर सकती है। 1993 में माइकल जैक्सन के साथ हुई घटना आपको याद होगी, जब यौन उत्पीड़न के मामले में एक टैब्लॉइड प्रेस ने एक समाचार छापा। इस समाचार के बाद अनेक मीडिया संस्थानों ने माइकल जैक्सन के आसपास के कुछ परिचितों और लोगों को माध्यम बनाकर उन्हें भुगतान करके सच्ची झूठी खबरें छापने की श्रृंखला को शुरू किया। जब रिपोर्टिंग की संस्कृति लाभ से संचालित होने लगेगी या रिपोर्टिंग की संस्कृति को हम एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री में बदल देंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से हम उन मशहूर व्यक्तियों के जीवन को कीचड़ में धकेल देंगे, किस तरह से हम उनके जीवन को, उनके सम्मान को, उनके यश और प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगे। उनका व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने के लिए जिस तरह से पैसे का लेन देन किया गया वो जग जाहिर है। अनेक गवाहों ने उसे स्वीकार किया है और यह राशि लाखों डॉलर्स तक है। इसी तरह से बिल क्लिंटन 1992 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले नाइट क्लब की एक सिंगर को एक साप्ताहिक टेबलॉइड ने $1,00,000 दिए और उसने अपने कथित अफेयर की कहानी उसके साथ साझा की।
कहते हैं उस समय ऐसी कई महिलाएं मीडिया संस्थानों के पास गई थी और उनसे ये कहा था, यदि आप हमें भी पैसा देंगे तो हम इस तरह की काल्पनिक कहानियां आपको दे सकते हैं। और इस तरह यौन अपराधों से जुड़ी हुई कहानियों को अनर्गल रूप से पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाने लगा, चाहे प्रिंसेस डायना का संदर्भ हो या रिचर्ड निक्सन का। ये सभी सेलिब्रिटीज चेकबुक पत्रकारिता के शिकार हुए हैं। डायना का किस्सा हम जानते हैं, किस तरह से कुछ पेपरासी उनके जीवन के कुछ निजी फोटोग्राफ्स को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पड़ते हैं और अंततः उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त होती है और उसी दुर्घटना में उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो चेकबुक पत्रकारिता पिछली 150 सदी की एक ऐसी घातक प्रवृत्ति है जिसने सेलिब्रिटीज को निशाना बनाते हुए उनके जीवन के साथ, उनकी यश और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है। हमें इस बात पर सोचना होगा, विचार करना होगा कि इस तरह की पत्रकारिता को प्रोत्साहित कर हम कहीं पत्रकारिता के उन मूल उद्देश्यों से भटक तो नहीं रहे। पत्रकारिता के उन नैतिक सिद्धांतों की परिपालना के लिए हालांकि भारत में अनेक मीडिया संस्थानों ने अपनी आचार संहिता में इस बात को रेखांकित किया है कि इस तरह की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें ये प्रयास करना होगा कि किसी भी स्रोत से इस तरह की सामग्री, सूचना को समाचार कथाओं के संदर्भ में प्राप्त करने के लिए हम भुगतान न करें और अपने स्रोतों से प्रामाणिक जानकारी को प्राप्त करते हुए पत्र पत्रिकाओं में उनका प्रकाशन करें। इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक पाठक और दर्शक के रूप में भी हमें अपने नैतिक बल का उपयोग करना होगा। जय हिंद, जय भारत।